हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं पनीर बटर मसाला। चलिए, पनीर हमने लिया है 1/2 kg। इसका मसाला हमने तैयार किया है 2 चम्मच, इसमें मोटा मगज है, 2 चम्मच पोस्ता दाना और 10 से 12 काजू, तीनों मिक्स करके हमने इसे पेस्ट बना लिया है। और सूखा मसाला, सूखा मसाला में हमने लिया है मिर्चा पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा गुलकी पाउडर और लहसुन है और नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हल्दी नहीं पड़ता है, उसके जगह पर कलर पड़ता है। और टमाटर हम 2 लिए हैं छोटा छोटा मीडियम साइज का। प्याज भी हमने 2 लिया है, इसे पतला पतला हमने काट लिया है। और 1 कप दूध इसमें डालेंगे, तो हमने 1 कप दूध लिया है। और कलर लिया है, कलर को हमने पानी में घोल लिया है। हमें जितना भी उसमें डालना है उसी अंदाज से डालेंगे, बाकी कलर हटा देंगे। फ्लेवर के लिए हमने लिया है कसूरी मेथी, गरम मसाला और चीनी। और जब बंद हो जाएगा गैस तो ऊपर से हम बटर डालेंगे। बटर डाल के मिक्स करके गैस से उतार लेंगे अपने पनीर बटर मसाला को। तो आइए अब हम बनाते हैं पनीर। गैस हमने ऑन कर लिया है, इस पर कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और हम इसमें रिफाइंड डाल दिए हैं। इससे हम सरसों तेल में नहीं बना के रिफाइंड में बनाएंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम पहले प्याज डालेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो जाता है, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ ही हम सूखा मसाला भी डाल देंगे, लहसुन और सूखा मसाला। इसे हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद बटर मसाला वाला जो मसाला हमने तैयार किया है उसे डालेंगे। मसाला भूनते हुए 2 मिनट हो गया है, अब हम इसमें काजू और मगज का पेस्ट डालेंगे। इसे भूनने में हमें 5 मिनट लगेगा, जब तक इसमें तेल नहीं छोड़ देगा तब तक इसमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमें 5 मिनट तक इसे भूनना है। अगर फ्लेम आपको ज़्यादा लगे तो थोड़ा बीच बीच में कम कर लीजिए और इसे बराबर से चलाते रहिए ताकि इसमें गांठ न पड़े। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अच्छी तरह भून गया है। इसे भूनने में 5 से 6 मिनट लगा। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध डालकर अच्छी तरह इसे मिक्स कर दूंगी। फ्लेम को हमने कम कर दिया है यहाँ पर।
थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब मैं इसमें कलर डालूंगी। हल्का सा कलर और पड़ेगा। मैं फ्लेम को हाई पर कर देती हूँ। इसके बाद इसमें पनीर डालूंगी। सा पानी और डालती हूँ ताकि आगे ये जमे नहीं। फ्लेम को हाई पर ही रखूंगी और अब इसमें मैं टेस्ट का सारा सामान डालती हूँ। काफी अच्छी खुशबू आ रही है बटर मसाला से। लगभग हमारा बटर मसाला तैयार हो चला है। बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। अब गैस मैं ऑफ करती हूँ। मैं इसमें बटर डालती हूँ। बटर मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। काफ़ी टेस्टी बना है। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।